शाहिद इकबाल रिहान के वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A57 के बारे में। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A57 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और उसके वो तमाम चीज़ें जो उसे अहम बना सकती हैं या उसे दूसरों से कम कर सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं अपना ओपिनियन पेश करूंगा और आप अपना ओपिनियन जो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, फिर हम उस पर बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो कैमरा 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा इस्तेमाल किया गया है जो कि नॉर्मल है, ज़बरदस्त आप इसे कह सकते हैं कि इस तरह का एक नॉर्मल कैमरा है, ना कम है ना ज़्यादा है, अच्छा कैमरा है। तो इसके साथ 3 GB की रैम इस्तेमाल की गई है और 2900 mAh की बैटरी भी इसमें इस्तेमाल की गया है। एंड्रॉयड के 6.0 वर्जन इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर हम डिटेल से बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो उसमें टेक्नोलॉजी में GSM, CDMA, HSPA और LTE टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये अनाउंस किया गया था नवंबर सन 2016 में और बाद में ये इसे जो है वो लॉन्च कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया मार्केट में फॉर सेल। और इसके वेट की बात करते हैं तो 147 ग्राम का इसका वेट है जिसमें ये स्मार्टफोन में वो आपको अवेलेबल होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, तो 5.2 इंच का इसका साइज है, मल्टी टच इसमें अवेलेबल है और कलर OS 3.0 इस्तेमाल किया गया है। प्लेटफॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 विजन मार्शमैलो इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही ओक्टा कोर 1.4 GHz में ये अवेलेबल है। कार्ड स्लॉट माइक्रो एसडी कार्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, 256 GB तक आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं एसडी कार्ड लगाकर। और इंटरनल मेमोरी 32 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है और 3 GB की रैम इसमें इस्तेमाल की गई है। और कैमरे के फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें 13 MP का जो प्राइमरी कैमरा आ रहा है वो ज़बरदस्त कैमरा है। जियो टैगिंग का इसमें फीचर्स अवेलेबल है, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, HDR, पैनोरामा वगैरह के फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। वीडियो को जो है वो हाई क्वालिटी में ये प्ले कर सकता है और जो अपने इस अपने कैमरे से वो वीडियो बना सकता है वो भी बहुत हाई क्वालिटी की है। 30 फ्रेम जो पर सेकंड में ये ला सकते हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। सेकेंडरी कैमरा 16 MP का इस्तेमाल किया गया है इसमें और साउंड वगैरह की वाइब्रेशन इसमें अवेलेबल है। MP3 और रिंगटोन्स के लिए वेव का जो है एक्सटेंशन में जो फाइल्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस फोन में। तो लाउड स्पीकर अवेलेबल है, 3.5 mm का जैक अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेडफोन्स वगैरह के लिए। और इसमें वाईफाई अवेलेबल है। ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ इसमें 4.1 वर्जन इस्तेमाल किया गया है। रेडियो FM रेडियो भी इसमें अवेलेबल। USB माइक्रो USB 2.0 वर्जन इसमें इस्तेमाल किया गया। सेंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिंगरप्रिंट का सेंसर इस्तेमाल किया गया है और साथ प्रोक्सिमिटी और कंपास के जो है सेंसर वो भी इस्तेमाल किया गया है। ब्राउजर इसमें HTML5 इस्तेमाल किया गया है और कलर्स इसके जो अवेलेबल होंगे वो होंगे गोल्ड और रोज गोल्ड। तो इन कलर्स में हम इसको परचेज कर सकते हैं। ये जी वीडियो एक स्मार्टफोन के बारे में ओप्पो A57 के बारे में। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।